IBN 9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रेलवे बोर्ड भारत सरकार के सदस्य युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे देवास पहुंचे और रेलवे स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया। रेलवे अधिकारियों के साथ इंदौर से दाहोद के बीच रेलवे स्टेशनों की सुविधा और समस्याओं को लेकर वे निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसी कड़ी में वह देवास पहुंचे थे। गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार अभिलाष पांडे ने यहाँ की व्यवस्था की है देखी और जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही यहाँ पर लगे वाटर कूलर से पानी पीकर उनकी गुणवत्ता भी चेक की। आपका अचानक देवास रेलवे स्टेशन में दौरा रहा, क्या पाया गया पूरा विस्तार से बताएं। देखिए, आज हम सब लोगों ने रतलाम डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले इंदौर और देवास, अब इसके बाद हम उज्जैन जाने वाले हैं। ये 3 दिन का हमारा रतलाम डिवीज़न का दौरा है। रेलवे के इंस्पेक्शन को लेकर यात्री सुविधाएँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में ड्रास्टिक चेंज किया है। हमारे आदरणीय वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं वो भी लगातार रेल में यात्री सुविधाओं को लेकर काम कर रहे हैं। हमारी कमेटी, हमारे साथ 5 मेंबर्स और आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर स्टेशन पे यात्री सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज़ों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और कुछ आवश्यक चीज़ें ध्यान में आ रही हैं, चाहे स्वच्छता हो, चाहे जल की सुविधा हो, चाहे कैंटीन हो, ऐसे सारी जो यात्री सुविधाएँ हैं, चाहे फैन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, बिजली हो और रिजर्वेशन हो, ये सारे विषयों को चेक कर रहे हैं ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। उसी दृष्टि से अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे। फिर देवास में एक बहन ने कहा कि जो एक तरफ बी तरफ वाला जिसमें जो लंबी ट्रेन है उनको कभी कभी उस तरफ करते जैसे यात्रियों को यहाँ से वहाँ जाने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ, मैंने अभी देखा कि यहाँ 2 ही प्लेटफॉर्म है, एक अप एक डाउन प्लेटफॉर्म है, तो निश्चित तौर पर उसमें चूँकि आगामी समय में और इसमें विकास होने की संभावनाएँ हैं तो मुझे लगता है आगामी समय में और ठीक होगा। लेकिन अभी 2 ही प्लेटफॉर्म होने के कारण निश्चित तौर पर जो भी असुविधा हो रही होगी उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए प्रयास किया। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।